Hi, children. This is Achilles Sir with a new video of chapter number 5 Coal and Petroleum. In this video, we will understand about petrochemicals. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in the manufacture of detergents. Fibers like polyester, nylon, acrylic, etc., polythene, and other man made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas, which is used in the production of fertilizers like urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के इस्तेमाल से बनती है उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है इसके अलावा कुछ फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर फाइबर नाइलॉन फाइबर और एक्रेलिक फाइबर बनाने के लिए भी किया जाता है इसके अलावा पेट्रोलियम का इस्तेमाल पॉलीथीन और कुछ प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस में से यानी कि प्राकृतिक गैस में से प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि यूरिया यूरिया फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए किया जाता है पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा उपयोग होने की वजह से उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है नाउ आवर बूझो हैज़ ए क्वेश्चन ही इज अगेन इन ए डाउट सो लेट्स सी वट ही इज आस्किंग बूझो इज आस्किंग कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स सो पहेली इज गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ़ बूझो पहली इज से इंग दैट नो द फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेट्री बूझो फिर किसी दुविधा में पड़ गया है और हमारा बूझो एक सवाल लेकर आया है चलिए आइए देखते हैं कि बूझो क्या पूछ रहा है बुझो पूछ रहा है कि क्या कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीजें जो कि मरे हुए जीवों से बनती है मृत जीवों से बनती है क्या इन सब चीज़ों को लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता तो पहेली इस सवाल का जवाब दे रही है और पहेली कह रही है कि नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बनती हैं इनका प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और ऐसी कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन इस तरह की परिस्थितियाँ एक लेबोरेटरी के अंदर पैदा नहीं की जा सकती इसलिए लेबोरेटरी के अंदर कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं नाउ लेटस अंडरस्टैंड वाट पी सी आर ए मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन सेज टू सेव पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन मीन्स पी सी आर एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव Petrol and diesel while driving. Their tips are as following. First, drive at a constant and moderate speed as far as possible. Second, switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. Third, ensure correct tire pressure. फोर्थ इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि टी हम सभी लोगों को गाड़ी चलाते समय या वाहन चलाते समय पेट्रोल और डीजल की बचत कैसे करनी है उसके लिए सलाह देता है उसकी सलाह इस प्रकार से है पहला हमें जहाँ तक हो सके गाड़ी को आराम से यानी कि धीरे धीरे चलाना चाहिए बहुत तेज़ नहीं चलाना चाहिए दूसरी सलाह जब कभी भी हमें कहीं रुकना हो किसी जगह पर रुकना हो तो गाड़ी का इंजन हमें बंद कर देना चाहिए या फिर अगर हम ट्रैफिक लाइट को देखें अगर उसमें रेड सिग्नल दिखा रहा हो तो हमें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए तीसरी सलाह गाड़ी का जो टायर का प्रेशर है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए चौथा सलाह चौथी सलाह ये है कि गाड़ी का समय समय पर मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी मरम्मत समय समय पर करवाते रहना चाहिए व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें